हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा व्हाट प्रोबेबली, पॉसिबली और मेबी या परहैप्स में क्या फर्क है, जबकि इन चारों का मतलब शायद होता है। तो क्या ये चारों इंटरचेंजेबल हैं, यानी एक दूसरे के जगह यूज किए जा सकते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, नहीं, इनमें डिफरेंसेस है जो आपको केयरफुली सुनना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि वर्ड प्रोबेबली, पॉसिबली, मे बी और परहैप्स में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इसे शुरू करूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, वर्ड प्रोबेबली का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो टू से दैट समथिंग हैज अ हाई चांस ऑफ हैपनिंग 70% और ग्रेटर। फ्रेंड्स, वर्ड शायद के लिए हम प्रोबेबली का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी काम की होने की संभावना या इम्कान बहुत ज्यादा है, 70% या उससे भी कहीं ज्यादा चांसेस हैं, या संभावना या इम्कान है कि यह काम होगा, तो हम वर्ड प्रोबेबली का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखें कि पॉसिबली का यूज कब करते हैं। पॉसिबली टू से दैट समथिंग हैज अ लो चांस ऑफ हैपनिंग 40% और लेस। फ्रेंड्स, शायद के लिए हम वर्ड पॉसिबली का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी काम की होने की संभावना या इम्कान बहुत कम है, मतलब यह काम होगा ऐसी इम्कान या संभावना बहुत कम है, 40% या उससे भी कम चांसेस हैं कि यह काम होगा। आइए फ्रेंड्स, देखें कि मेबी और परहैप्स का यूज कब करना है। टू से दैट समथिंग हैज अ इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग 50%। फ्रेंड्स, वर्ड शायद के लिए हम मेबी और परहैप्स का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी या इम्कान 50-50 है, यानी बराबर है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब किसी काम की होने की संभावना या पॉसिबिलिटी 50-50 हो, तो इस कंडीशन में हम शायद के लिए मेबी या परहैप्स का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये चार वर्ड्स आपको बड़े अच्छे से समझ में आया। आप प्रोबेबली का यूज तब करेंगे जब आपको कहना हो कि किसी काम की होने की इम्कान या संभावना बहुत ज्यादा है, 70% या उससे भी ज्यादा चांसेस है कि ये काम होगा, तो आप शायद के लिए प्रोबेबली का यूज करेंगे। लेकिन वर्ड शायद के लिए आप पॉसिबली का यूज तब करेंगे जब आपको कहना हो कि किसी काम की होने की संभावना या इम्कान बहुत कम है, 40% या उससे भी कम चांसेस है कि ये काम हो, तो आप वर्ड पॉसिबली का यूज करेंगे। और फ्रेंड, वर्ड शायद के लिए आप मेबी या परहैप्स का यूज तब करेंगे जब आपको कहना हो किसी काम की होने की संभावना या इम्कान बराबर है, यानी 50-50 चांसेस हैं कि वह काम हो या ना हो। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को अभी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है कुशल प्रभा। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि वर्ड सर्च, लुक फॉर, सीक और फाइंड का क्या यूज है, जबकि इन चारों का मतलब तलाश करना या ढूंढना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखें क्या इन चारों वर्ड्स में कोई फर्क है, अगर है तो आप इनका कैसे यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं लेसन शुरू करूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इन सर्च देयर इज अ आइडिया दैट यू एग्जामिन अ प्लेस केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग और समवन। आल्सो इज यूज्ड फॉर लुकिंग फॉर लॉस्ट थिंग। फ्रेंड्स, ढूंढने के लिए वर्ड सर्च का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी जगह को बहुत केयरफुली एग्जामिन करें, यानी तलाश करें किसी चीज को पाने की उम्मीद में, तो इस कंडीशन में हम सर्च का यूज करते हैं।
लगता है आप बात समझे नहीं। फ्रेंड्स, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्ड सर्च का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हों या किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हों जिसे हम पहले से जानते हैं। या मैं ये कह लूं कि वर्ड सर्च का यूज भूली हुई वस्तु या इंसान के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, सी इज सर्चिंग हर मोबाइल इन हर रूम। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ यूज किया सर्च, क्यों? क्योंकि वह एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही है जिसे वो पहले से जानती है, या उसका मोबाइल खो चुका है और वह अपने मोबाइल की तलाश कर रही है। तो फ्रेंड्स, हम वर्ड सर्च का यूज तब करते हैं जब हम ऐसी नाउन की तलाश करें जिसे हम पहले से जानते हों। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ड सर्च का यूज हम अपनी ही भूली हुई सामान की तलाश के लिए करते हैं। आई एम सर्चिंग द की ऑफ माई बाइक। अब फ्रेंड्स, यहां मैंने वर्ड सर्च का यूज किया, क्यों? क्योंकि मेरी बाइक की की भूल चुकी है या इधर उधर गुम है, जिसे मैं पहले से जानता हूं और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं दे आर सर्चिंग देयर कार। यहां आप वर्ड सर्च का यूज करेंगे क्योंकि वे लोग अपनी ही भूली हुई प्रोडक्ट की तलाश में हैं, यानी वो एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में हैं जिसे वो पहले से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम सर्चिंग माई ब्रदर। आप यहां ढूंढने के लिए वर्ड सर्च का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जिसे आप पहले से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि उस तरीके के नाउन जिसे आप पहले से जानते हैं कि तलाश के लिए आप वर्ड सर्च का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, यहां एक खास बात आपको बता दें कि ढूंढने के लिए लुक फॉर का भी यूज किया जाता है। तो फिर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा कि लुक फॉर का यूज क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स, सर्च और लुक फॉर दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी जहां आप सर्च का यूज करते हैं वहीं पर लुक फॉर का यूज किया जाता है। आइए फ्रेंड्स देखें कि सीक का क्या यूज है। फ्रेंड्स, इन सीक देयर इज आइडिया समथिंग नॉट मटेरियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, वर्ड सीक का यूज ढूंढने या तलाश करने के लिए तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट की तलाश कर रहे हैं जो मटेरियल नहीं है, यानी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम वर्ड सीक का यूज तब करते हैं जब हम किसी ऐसी सामान की तलाश कर रहे हों जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे आई एम सीकिंग समवन्स हेल्प, मैं किसी की मदद की तलाश कर रहा हूं। अब यहां फ्रेंड्स, मैंने कहा कि मैं किसी मदद की तलाश कर रहा हूं। मदद यानी हेल्प एक ऐसा थिंग है जिसे टच नहीं किया जा सकता या छुआ नहीं जा सकता। सी इज सीकिंग अ गुड जॉब, वह एक अच्छे जॉब की तलाश में है या वो एक अच्छा जॉब ढूंढ रही है। यहां वर्ड सीक का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि जॉब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई मटेरियल नहीं है जिसे आप टच कर सकें। ही इज सीकिंग द पीस ऑफ लाइफ, वह लाइफ में सुकून ढूंढ रहा है। फ्रेंड्स, अब यहां हम सीक के जगह पर सर्च का यूज नहीं कर सकते, हम यहां सीक का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वह कोई ऐसा थिंग ढूंढ रहा है जिसे वो टच नहीं कर सकता है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है या जो मटेरियल नहीं है। दे आर सीकिंग अ लीगल एडवाइस, वे लोग एक कानूनी सलाह ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एडवाइस यानी सलाह को टच नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ढूंढने या तलाश करने के लिए वर्ड सीक का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, यानी जो मटेरियल या फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए फ्रेंड्स देखें कि फाइंड का यूज कब किया जाता है। फ्रेंड्स, वर्ड फाइंड का यूज तलाश करना या ढूंढने के लिए तब किया जाता है जब हम ये कहना चाहें कि हमने कुछ नया डिस्कवर किया या
हमने कुछ नया ढूंढ निकाला, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको पता नहीं है और आपने उसको ढूंढ निकाला या आपने उसकी तलाश की। तो इस तरीके के ढूंढने या तलाश करने के लिए हम वर्ड फाइंड का यूज करते हैं। जैसे आई फाउंड अ लवली होटल इन माई सिटी। सबसे पहले मैं कहूंगा कि फाउंड, फाइंड का गुजरा हुआ फॉर्म है, यानी सेकेंड फॉर्म है। आई फाउंड अ लवली होटल इन माई सिटी। मैंने अपने शहर में एक अच्छा होटल तलाश किया या एक अच्छा होटल ढूंढा। अब फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड फाइंड का मतलब ये है कि एक अच्छा होटल जो मेरे शहर में था, मुझे पता नहीं था, मैंने इसको ढूंढ निकाला, मैंने इसको डिस्कवर किया, यानी मैंने इसकी खोज की। फाइनली शी फाउंड अ गुड कैफे इन द सिटी। आखिरकार वह अपने कस्बे में एक अच्छा कैफे तलाश की। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड फाउंड का ये सेंस है कि उसके शहर में एक अच्छा कैफे था, उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी और उसने उस कैफे की तलाश कर ली या उसे ढूंढ ली। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, एट लास्ट आई फाउंड अ ट्रिक फॉर ट्रांसलेशन हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आखिरकार मैंने हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, मैंने एक ट्रिक तलाश कर लिया या ढूंढ लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड फाउंड का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ कोई चीज को डिस्कवर किया या किसी चीज की तलाश किया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक ट्रिक का तलाश किया जो हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, वर्ड फाइंड का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि हम कोई ऐसी चीज की तलाश में हैं जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं, या हम किसी चीज को पहली बार तलाश किए या ढूंढ निकाले। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये सभी वर्ड्स का यूज शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।